गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज का टॉपिक इंसुलिन। इंसुलिन कैसे पहले बनाया गया? तो पहले क्या होता था, किसको ज़रूरत है? डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, उन डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनकी बॉडी में ठीक से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें उनको इंसुलिन का इंजेक्शन जो है वो देना पड़ता है। पहले क्या होता था, इनको अगर जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती थी, इनको इंसुलिन चाहिए, तो ये कहाँ से लेंगे? तो ये क्या करते थे, स्लॉटर हाउस से, जो स्लॉटर हाउस में जो पिग और वो सब आते थे, पिग से, कैटल से, उनसे जो इंसुलिन मिलता था उसको देते थे पेशेंट्स को स्टार्टिंग में। तब तक अभी ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको नहीं बनाया गया था, तो पहले जो स्लॉटर हाउस में जो आती थी जो पिग और कैटल्स, उनसे जो है वो पेनक्रियास से इंसुलिन को निकाल के पेशेंट्स को दिया जाता था। अब क्योंकि वो फॉरेन सब्सटेंस है, तो जब उनको दिया जाता था तो उनसे क्या होता था, उनको कुछ को एलर्जीज हो जाती थी, कुछ को कोई फॉरेन बॉडी है तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि देने से उनको जो है वो रिएक्शंस हो रहे थे, एलर्जीज हो रही थी, क्योंकि फॉरेन प्रोटीन था तो बॉडी रिएक्ट कर रही थी। तो होता क्या है बेसिकली, देखो ये हमारी बॉडी में एज ए प्रो इंसुलिन बनता है। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रो एंजाइम्स होते हैं यानी इनएक्टिव होते हैं। प्रो एंजाइम्स यानी इनएक्टिव होते हैं। जैसे आपने पेप्सिनोजेन पढ़ा है, ट्रिप्सिनोजेन पढ़ा है, ये सारे क्या हैं, इनएक्टिव हैं। पहले इनको मैच्योर फंक्शनल करने के लिए इनको एक्टिव करना पड़ता है। जैसे आपने पढ़ा था कि पेप्सिनोजेन को HCl जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तब वो वर्क करता है। ये सारे इनएक्टिव फॉर्म्स होती हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है वो प्रो इंसुलिन यानी इनएक्टिव फॉर्म में बनता है। जब इसको वर्क करना होता है तो ये मैच्योर फॉर्म में आता है। तो जो प्रो इंसुलिन है उसमें तीन पेप्टाइड चेन होती हैं, A, B and C। मान लो ये बी पेप्टाइड है, ये ए पेप्टाइड है, ये सी है। तो ये तीनों जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं, तब ये कहलाता है प्रो इंसुलिन। किससे जुड़े रहते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। ये है डाई सल्फाइड बॉन्ड। इन डाई सल्फाइड बॉन्ड से तीनों पेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़े रहते हैं, सी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड। इसको हम बोलते हैं प्रो इंसुलिन। जैसे प्रो एंजाइम्स बनते हैं, वैसे ही ये प्रो हार्मोन्स यानी प्रो इंसुलिन बन रहा है। अब जब मैच्योर फॉर्म होगी तो उसमें सी पेप्टाइड की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सी पेप्टाइड अलग हो जाता है और ए और बी पेप्टाइड डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, और सी पेप्टाइड अलग हो गया, ये बन गया मैच्योर इंसुलिन जो वर्क करता है आगे, यानी शुगर को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसको बनाया कैसे जाए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम इसको कैसे बनाएं, क्योंकि मान लो हमने कोई जीन डाला, हमने एक जीन लिया, ये है, जो तीन तरह के वो बना रहा है, ये जीन है, ठीक है। इस जीन को हमने, जो कि ह्यूमन इंसुलिन की जीन है, ठीक है, अब ये तीन तरह के हमारे प्रोटीन बना लेगा, ए सी एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ए सी बी प्रोटीन्स बन गए हमारे, ये पेप्टाइड बन गए, ये हमारा जीन हो गया ह्यूमन इंसुलिन जीन, जिसमें ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ए पेप्टाइड बना रहा था, ये सी पेप्टाइड को बना रहा है, ये बी पेप्टाइड को बना रहा है, ये बन गया पेप्टाइड। अब अगर हम ये जीन को बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो बैक्टीरिया तो तीनों पेप्टाइड एक साथ बना देगा,
उसके पास ऐसी कोई मैकेनिज्म है कि इसको ये काट दे और काट के इनको जोड़ दे और सी को अलग कर दे, जो हमारी बॉडी में होता है कि हमारी बॉडी में प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है और ए बी सी तीनों पेप्टाइड होते हैं, और जिसमें से सी मैच्योर होने के टाइम पर सी पेप्टाइड सेपरेट हो जाता है और ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। पर हम यहाँ पर अगर ये जीन को, ह्यूमन इंसुलिन की जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ए सी बी, जो ए ये वाला जीन ए पेप्टाइड बना रहा है, ये सी पेप्टाइड बना रहा है, बी पेप्टाइड बना रहा है, बना तो देगा, पर अब उसके बैक्टीरिया के पास, क्योंकि ये बैक्टीरिया की तो है नहीं, तो बैक्टीरिया के पास ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि ये इन तीनों को काटे और सी को काट के सेपरेट कर दे और ए बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दे। सो इसके लिए क्या किया गया कि 1983 में एक अमेरिकन कंपनी है, इसका सोल्यूशन कैसे निकला, अमेरिकन कंपनी है एली लिली, इन्होंने क्या किया, जैसे ह्यूमन इंसुलिन में ये ए और बी पेप्टाइड है वैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग ए और पेप्टाइड जो है वो बनाया, ए और बी जीन को लिया, कॉरस्पॉन्डिंग डीएनए का सीक्वेंस बनाया और उसको जैसा ह्यूमन इंसुलिन में ए और ए जीन जो है वो ए पेप्टाइड बना रहा है, बी जीन बी पेप्टाइड बना रहा है, वैसे ही डीएनए सीक्वेंसेस बना के अलग अलग ई कोलाई के अंदर डाला, मान लो यहाँ पर एक और एक इसमें अलग अलग ई कोलाई के प्लास्मिड में डाल दिया, एक के अंदर ए का डाल दिया, ठीक है, एक के प्लास्मिड में ए जीन डाल दिया, ए पेप्टाइड के लिए ए जीन डाल दिया, और दूसरे के, दूसरे ई कोलाई के अंदर ये बी डाल दिया, ठीक है, किसके अंदर, ई कोलाई में, ई कोलाई के प्लास्मिड में, ठीक है, ई कोलाई के प्लास्मिड में, तो एक में तो ए का डाला, मान लो ये क्या है, ये ए, ए जीन डाली और इसके अंदर बी जीन डाली, तो इससे क्या बनेगा, ए पेप्टाइड, तो यहाँ से बन गया ए पेप्टाइड, ठीक है, और यहाँ से बन गया, इस वाले से बन गया बी पेप्टाइड, ये बन गया बी पेप्टाइड, अब इन दोनों को जोड़ दिया, निकाल के इन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है, तो बन गया हमारा क्या, इंसुलिन। तो इसी तरह से इसको बनाया जाता है कि एक के अंदर, एक के प्लास्मिड में, एक ई कोलाई के प्लास्मिड में ए जीन को डाला गया, एक ई कोलाई के प्लास्मिड में बी जीन को अलग अलग डाला गया, दोनों से सेपरेट किया गया और दोनों को फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से ऐसे करके जोड़ दिया गया दोनों को, और ये बन गया हमारा इंसुलिन। क्योंकि ऐसे हम डाल रहे थे पूरा का पूरा जीन, तो वो पूरे पूरी तीनों पेप्टाइड बना रहा था, पर उसके पास कोई ऐसी प्रोसेस नहीं थी कि सी को काट के अलग कर दे और वो ए और बी जो कि फंक्शनल हैं, जिनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दे और वो बन जाए मैच्योर इंसुलिन। सो ये इन्होंने ये सोल्यूशन निकाला, अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उसने कि एक में डाल दिया जाए ए का जीन तो ए पेप्टाइड बना देगा, दूसरे ई कोलाई के प्लास्मिड में डाल दिया बी का जीन वो बी पेप्टाइड बना देगा, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, इस तरह से बन गया हमारा ह्यूमन इंसुलिन। ये इंसुलिन को हम ओरली नहीं देते, क्योंकि देना हमें इसको इंजेक्शन के थ्रू ही है, क्योंकि ओरली देंगे तो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये डिग्रेड हो जाएगा, इसलिए इसको ओरली नहीं दिया जाता, इंजेक्शंस के थ्रू ही दिया जाता है। सो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ह्यूमन इंसुलिन, या जिसको ह्यूमिलिन भी बोलते हैं, वो बनाया गया, तो इसी तरह से ये बनाया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।